नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मतलब इंटरनेशनल चेस डे की शुभकामनाएं। आज 20 जुलाई को जो है इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये इंटरनेशनल चेस डे? दरअसल 1924 के पहले भी विश्व चैंपियन हुए आप सभी जानते हैं, लेकिन उस समय जो विश्व चैंपियन होते थे उस दौर में यूरोप और अमेरिका के कुछ ऐसे शहर थे जहां पर शतरंज ज्यादा खेला जाता था, मसलन लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इन शहरों में जो छोटे छोटे संघ थे वो सब मिलकर डिसाइड करते थे कि विश्व चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। लेकिन उसके बाद 1924 में जो पेरिस था वो एक्चुअली में एक सेंटर बन गया था दुनिया में शतरंज खेले जाने का। एक तो बीचों बीच था, यूरोप में था, तो ज्यादा समृद्ध उस समय यूरोपी था। तो 1924 में जो है पेरिस में विश्व शतरंज संघ मतलब फीडे की स्थापना की गई और इसीलिए जो है आज के दिन ये मनाया जाता है। हालांकि ये आज से नहीं हुआ है, आज से 66 साल पहले जो है यूनेस्को ने इसको प्रपोज किया था और उसको फिर अप्रूव किया गया और आगे चल के यूनाइटेड नेशंस मतलब यूएन ने भी इस आज के दिन को विश्व शतरंज दिवस के तौर पर मनाने के लिए जो है वो अनुमति दी। इसीलिए आज जो है विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। आज चेस बेस इंडिया भारत में जो है अलग अलग जगह पे इवेंट्स कर रहा है। सबसे बड़ा इवेंट हम कर रहे हैं मुंबई में, जहां पर मुंबई में फिनिक्स कुर्ला मॉल में जो है आज एक साइमल होगा जहां पर सागर शाह और समय रैना जो है एक साइमल मुकाबला खेलेंगे लोगों के साथ। तो ये एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है। इसके बाद फिर इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में सिटाडेल फिनिक्स मॉल में, यहां पे भी जो है एक ब्रिज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है शाम को 5 बजे से। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। इसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में ओरा मॉल में हम टूर्नामेंट करने जा रहे हैं शाम को 5 बजे से, जो है यूथ कप होगा अंडर 15 के प्लेयर्स के लिए। और उसके बाद शाम को 7 बजे से एक और टूर्नामेंट होगा जो भोपाल के प्लेयर थे मोहम्मद रफीक खान, जिन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपियाड मेडल जीता था, फीडे मास्टर थे, उनकी याद में हम एक ब्रिज टूर्नामेंट करेंगे शाम को 7 बजे से। तो ये सारे इवेंट जो है आज होने जा रहे हैं और इसका मकसद है इंटरनेशनल चेस डे को मनाना। तो अगर आप इनमें से कहीं भी प्रतिभागिता करने से चूक गए हैं तो देखने जरूर आइए, और अभी भी प्रतिभागिता कर सकते हैं तो जरूर प्रतिभागिता कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।